दोबारा स्वागत हो। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भाई आज का हमारा वीडियो का भाई होना नहीं लाइट कि भाई आफ्टर पाई अपडेट आपको अपडेट करना चाहिए। जिन लोगों को अभी तक अपडेट नहीं किया है या क्या मुझको बग्स देखने को मिले, क्या क्या मुझे मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ उस टाइम, आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिए वीडियो में। तो मेरा नाम आशीष, तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भाई देखो मैंने होना नाइन लाइट में बहुत एक वीक हो गया, मैंने एक वीक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है मैंने अपडेट किया था। भाई मैंने अपडेट करके बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी हूँ। भाई जो पहले नोगट में चल रहा था ओरियो में भाई बहुत अच्छा चल रहा था, पर यार अब उसके बाद में उसको प्रॉब्लम बहुत फेस करने मिल रही है। दोस्तों आपको एक प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। भाई मैं तो बैटरी ड्रेनिंग इशू से भाई बहुत परेशान हो चुका हूँ, बैटरी ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं सोच रहा था स्टार्टिंग में दो तीन दिन में उसने थोड़ा सही परफॉर्मेंस दिया, पर बाद में उसका जो काला सच है, जो सच बात है वो हमको पता चली, तो भाई इससे हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है इस टाइम। दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास ये EMUI अपडेट आया या नहीं आया, आप हाई केयर ऐप में चेक कर रहे हैं वहाँ से अप्लाई करें, तो भाई कुछ दिन वेट करिए, इसका स्टेबल अपडेट आएगा उसमें अपडेट करिए। अभी बीटा अपडेट है, इसमें अपडेट मत करिएगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इशू फेस करने को आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों जो बैटरी ड्रेनिंग इशू है भाई वो हो रहा है बहुत ज़्यादा, और भाई मोबाइल हीट हो रहा है अपनी लिमिट से ज़्यादा। ठीक है भाई, ये मोबाइल ये था पहले इतना तो हीट नहीं होता था, पर यार अपडेट के बाद इतना ज़्यादा हीट होने लग गया था। मैं बहुत परेशान हूँ, और भाई जितना हीट हो रहा है उस हिसाब से बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो रही है। और भाई बैटरी ड्रेनिंग तो 3000 mAh की छोटी सी बैटरी दे रखी है, उसमें इतनी ज़्यादा ड्रेनिंग होगा तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। तो भाई होने को कुछ ना कुछ आपको OTA अपडेट या मंथली अपडेट स्कोट पैच अपडेट के साथ इसको फिक्स करना होगा, नहीं तो भाई फ़ोन की बहुत बुरी हालत हो जा रही है। और भाई पबजी गेम मैं खेल रहा था उस टाइम, मैंने रिव्यू बनाया था उस टाइम थोड़ा सही चल रहा था फ़ोन, पर यार दो तीन दिन बाद मेरा ऐसा हाल हो गया उस फ़ोन के साथ यार, मैं उसको एक अपना सेकेंडरी फ़ोन यूज़ करना पड़ रहा है, मेरा प्राइमरी फ़ोन के यूज़ में तौर पे यूज़ नहीं कर पा रहा उसको। तो भाई अब लैग इशू बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, अगर मैं ऐप एक साथ दो तीन ऐप को खोल लेता हूँ फिर उसको बैकग्राउंड चेक करता हूँ ओपन करता हूँ तो दोबारा रीलोड करने लग जाता है, भाई दूसरी ऐप खोलता हूँ तो भाई बहुत हैंग लैग इशू, स्क्रीन वहीं पर रुक जाती है, कोई टच बार काम नहीं करता, नेविगेशन बटन काम करने छोड़ देते हैं, ऐसे इशू हमको देखने को मिल रहे हैं। तो भाई देखो ऐसी प्रॉब्लम हमको देखने को बार बार मिल रही है, तो भाई प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे अपडेट मत करिएगा। अपडेट अब भी करना चाहते हो तो भाई मैं आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं कर रहा हूँ कि भाई प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि भाई आपको बिल्कुल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो भाई मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ, भाई अपडेट मत करिए और भाई सपोर्ट करिए, क्या कहते हैं सपोर्ट, जो आपका जो इसकी टीम है, जो सपोर्ट टीम है, इसके लिए ओनर किया हुआ भाई, जो भी आप समझे ओनर के पास कॉल करिए भाई, बहुत ज़्यादा इशू फेस करे भाई। मैं सच में यार बहुत परेशान हो चुका हूँ यार, ऐसा मैंने सोचने को बिल्कुल नहीं सोचा था कि भाई यार ऐसा हो जाएगा मेरे साथ यार। मैं इतना यार एक्सपेक्टेशन थी यार फ़ोन से, यार बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ोन हो गया था दो तीन दिन के लिए, पर यार दो तीन दिन बाद यार मेरी वाट लगा दी इस फ़ोन ने यार, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ यार। प्लीज़ कोई होनर वाले वीडियो देख रहे हैं तो भाई बिल्कुल यार एक स्टेबल अपडेट दीजिए यार, इसका जो बैटरी ड्रेनिंग इशू है वो ज़्यादा इशू आ रहा है, ठीक है, और लैगिंग इशू यार बढ़ चुका है, लैगिंग इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। स्क्रीन का 659 यार, जो प्रोसेसर बहुत ठीक ठाक फ़ोन था यार, उसके साथ ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यार। मतलब जो अपन 3000 के फ़ोन थे जैसे, जिसमें 512 MB रैम है, 1 GB रैम, उन फ़ोन में भी ऐसे इशू मिलते थे, वही आज अपने को इसमें देखने को मिले। तो दोस्तों इस वीडियो ज़्यादातर शेयर कर दीजिए यार, अगर आप तो अब आपको वीडियो अच्छी लगे तो नीचे लाइक बटन दिख रहा होगा उसको जोर से दबा कर लाइक कर दें, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लगातार लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों भाई देखो कैमरा तो इंप्रूवमेंट हुआ है, मैं कैमरा नहीं कह रहा, कैमरे में अपने बहुत ज़्यादा मोड देखने को मिले हैं, प्रो मोड, नाइट मोड, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा मोड अपने देखने मिले। मैं फ़ोन में कमी नहीं बता रहा, पर भाई अपडेट के बाद जो कमी है भाई वो कमी तो कमी है, मैंने आपको रिव्यू देने के लिए थोड़ा डिले हो गया, एक वीक से ज़्यादा मुझे हो गया, पर यार सॉरी इसलिए, पर यार आपको अपडेट नहीं करना चाहिए, जो मेरी तरफ से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यार हैंग लैग इशू हो गया पबजी में, फिर मैंने रीओपन किया था तो भाई उस टाइम भाई फ़ोन बिल्कुल गर्म हो गया, तो भाई बिल्कुल गेम में फ्रेम ड्रॉप बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी, और भाई बहुत बार हीट की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा थी। अगर आप किसी कूलर या एसी नीचे खेल रहे हैं जब भी यार आपने बहुत ज़्यादा हीटिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है फिर ग्लास बैग के साथ, यार पहले ऐसा नहीं था, कहते हैं एंड्रॉइड 8.1 के साथ और यार EMUI 9.1 के साथ, और भाई एंड्रॉइड पाई के साथ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने को मिल रही है। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेंगी, भाई आप ये सोच रहे हैं इसमें कुछ नए एड ऑन फीचर आपको मिलेंगे, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, भाई प्लीज़ इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप परेशान होंगे, प्लस में परेशान होंगे। भाई जिन्हें अपडेट कर चुके हैं
उनसे भाई रिक्वेस्ट है आप कंपनी में कॉल करिए, मैं तो आपके लिए सपोर्ट कर ही रहा हूँ, कंपनी में कॉल कर रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ, रेगुलरली आपको मेल ड्रॉप कर रहा हूँ उस हुनर को। तो भाई अब आप भी कर सकते हैं भाई, जल्दी नेक्स्ट मंथ के जो ये भाई जून तो एंड हो चुके हैं, जुलाई में अपने को एड तक जो आपको मिलेगा अपडेट भाई, उसमें शायद प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो इसलिए वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी हुनर पर वीडियो देखने के लिए आपको मिलती रहेगी डेली एक टेक वीडियो। तो भाई बस वीडियो में इतना ही था, पाई अपडेट मत करिएगा जिसने अब तक नहीं किया, तो रिक्वेस्ट आपसे अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना था, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।